ये तो चारों तरफ से फट गया भाई। गैंग में ऐसे कंप्यूटर है भाई, सीन बन गया होता कंप्यूटरों के साथ ही। भाई ये देख लो क्या माहौल बन गया यार। ओ भाई गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं स्केच चुपी के व्लॉग। हमने देख लो जैसे डॉग घूमे ना गली में, ऐसे ही बंदर घूम रहे। बंदर तो कहीं से एप्पल की पेटी उठा के लिया है। ओए ओए ओए, ये तो डरी नहीं रही। ओपी को आ गया। ओ ट्रांसफार्म पे आना दर्जे का दी, पटाके पटक जा। चारों तरफ बंदर ही बंदर है। कल तो भाई सेब की पेटी के पास ही जाके खड़ी। ओए 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 ओए, बच ना जावे इन भाई। पीकू भी मॉनिस्टर है, ये क्यों डरने वाला है भाई। ये देख लो भाई, सारे दांत आ गए इसके वापस। 10 या 15 दिन के अंदर ना पूरे दांत इसके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसकी तगड़े वाली ग्रिप लगवानी स्टार्ट कर देंगे। ग्रिप तू भी लगाया करेगा? नहीं, बाथरूम में छिपकली आ गई भाई। इसका रेस्क्यू करूँ या फिर इसे यहाँ से भगाऊं पता नहीं चल रहा मेरे को। अब मैं इसे भेज रहा हूँ, तू चली जा क्योंकि यहाँ व्यू है ना, क्योंकि बचपन में छिपकली ने मेरे एक बार काट रखा। क्या बोला तूने? इंजेक्शन लगे थे मोटे मोटे, छिपकली को भगाने के चक्कर में मग्गा टूट गया। सुबह के टाइम कल को डाइट मिलेगी, लेकिन व्यू ने ना इसे आलू खाने के लिए दे दिया और ये आलू खा भी रही है। आलू खा के आलू जैसी हो जाएगी। ये दो आलू बर्बाद कर दिए, वैसे तो ये आलू है नहीं। कल के ना शरीर पे ये हल्की हल्की एलर्जी होगी, ज्यादातर पिटबुल और अमेरिकन बुल्ली में ये चीज आ गई है। इसका क्या इलाज है मेरे को भी नहीं पता, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा ना वो तुम्हें भी बता दूंगा। आज अपने डॉग्स के शरीर की, अब आओ नंगू गाइस, आज अपने डॉग्स के शरीर की सारी साफ सफाई करूंगा, जैसे कि कानों में मैल भरा रहा है, वो पंजे वगैरह में चिचड़ी वगैरह चिपकी रहा है, वो तो भी इसके कान साफ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये ले आया और ये ले आया, थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया। ये देखो इसके कान बिल्कुल साफ हो गए। कल्लो ने मम्मी की चाय झुट्टी कर दी, इसी गर्म गर्म चाय में मुंह मार दिया। कल्लो की जीभ चेक कर लो, जीभ तो नहीं जलेगी। एक बात बताऊं आप लोगों को, भाई पापा पे मैंने 500 रुपए उधार लिए थे, वे 500 रुपए उधार लेने के बाद दिए नहीं पापा, मैंने पैसे नहीं दिए। ये पता क्या भर लेने हैं। ये देख लो भाई, एक पापा होने के बावजूद अपने बेटे को पैसे नहीं देते। ये 500 रुपए मम्मी उधार लिए थे, वे दे दिए थे इनके। अरे मेरे तो नहीं दिए था ना, ये फंस गया। खत्म आगे कसम दिए नहीं, अगले दिन ही फिर 400 ले गया। पापा वो उधार चलता रहे, तेरा मेरा खाता है। आज पीकू गला थत्ते चढ़ गया, छोटे टुकड़े करके खिला रहा, जबकि पीकू ना पूरी रोटी में से आधी रोटी एकदम से खा जावे। कल्लो को भी खिला रहा इधर खाना और पीकू को भी खिला रहा इधर खाना, जबकि इनकी डाइट उस बर्तन में रखी जाएगी। कल्लो को ले जाओ, इसे वहां ले जा कल्लो को। गाइस पकड़ बिल्ली की आंख देखो कैसी है। मेरा फोन कॉस करना भाग गया यार, मैं इसके नजदीक आ गया बहुत, वो डर नहीं रहा यार मेरे से। अल्फा के पास आ गया हूँ क्योंकि इसका टाइम हो गया खाने पीने का, तो अभी से खाना रखने वाले हैं। तो ये देख लो भाई, सेरेलैक और दही मिला के मिक्स करके इसका खाना बना दिया, और यही चलेगा जब तक सेरेलैक का पूरा डब्बा खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके लीवर में अभी इन्फेक्शन था। पार्गो में ज्यादातर लीवर में इन्फेक्शन ही होगा, लीवर बढ़िया से काम करे इसलिए ये वाली डाइट दी जाए। अल्फा को खाना रखने वाला हूँ, पहले ये देखता हूँ कि स्टे कहने पे स्टे होगा क्या। स्टे, बैठ जा, बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ 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 बैठ, वेरी गुड वेरी गुड। जहाँ जहाँ इसकी एलर्जी हो रही ना वहां से लाल लाल सी होगी। भाई जब अपना फौजी भाई आया हुआ है, वैसे इसका नाम नाम फौजी है, बस फौजी बना नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है भाई, चिट्ठी देने के लिए इसके भी आमे जरूर जाएंगे, सॉरी इसकी बहन का भी आया उसमें जाएंगे। घर पे हर कोई ना धोके रेडी हो चुका है, तो गाड़ी है ना वही ना के रेडी नहीं हुई, तो अभी इसे नहला के चमचमाता हूँ। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके जहाँ गाड़ी धोने वाली है वहाँ लाके खड़ी करी। कल्लो और पीकू के कान खड़े हो गए, देख लो पीकू भी आके खड़ा हो गया। ये भी पता लग गया कि अब मैं गाड़ी में घुमा करूंगी। जब भाई लोग आए हुए थे मिलने के लिए, रास्ते में इनके साथ दुर्घटना घट गई, तो अभी चार लेके आया हूँ। ये देख लो भाई, रास्ते में बिरड़ने इसके पप्पी ले ली। मतलब उसे खतरनाक बनाने वाले हैं, तो उसके लिए ना भाई ये देखो पेडिग्री प्रो का कट्टा है। गलत सीन हो गया, आज तो मैं गाड़ी धोने के लिए लगा था, आज ही गाड़ी मेरे पास कंप्लीट नहीं थी भाई, रोज भी जाना था तुम्हारी भाभी को लेकर। कल लो तो मेरा यही इंतजार कर, तारी भाभी को मैं शॉपिंग करवाने के लिए ले आया यहाँ बिस्कुट नमकीन। अरे तेरी गाइस अभी सो के उठाऊं और व्यू ने इतना बुरा हाल कर दिया इस घर में कि तुम सोच भी नहीं सकते। नंबर एक नंबर दो काम दोनों एक साथ कर दिए, और वो भी भाई उस कमरे से लेके यहाँ इस कमरे तक। अपने हाथ में मग्गा भी ले रहा, साफ सफाई भी तुरंत ही करने लग रहा। आज तो बजेगा तेरा घना कैडा, बजेगा 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 बजेगा। और आज ना भाई मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ, बाल बूल बाके सेट करके भी मिल रहा। बाल बाल तो कुछ भी सेट नहीं करे, सीधा घेर में आ गया हूँ। और आप लोगों ने ना भाई साहब सिस्टम हैंग कर दिया यार, मेरा ही हैंग कर दिया। तुमने तो सिस्टम 1000 कमेंट कर दिया भाई, दफ्तर भी ना होने दी पूरी ब्लॉक का, तो दोपहर होने के बाद का टाइम है, 1000 कमेंट आ गए, अब तो नहर में कूदानी पड़ेगी भाई। अभी मजा आएगा ना, लेकिन 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 उससे पहले ना कुछ धमाका कर लेंगे बाइक के साथ। वैसे भी भाई इसमें आग लगने वाली है, ओ सॉरी
आग तो आज लगा के देख लेंगे, कल तो नहर में कूदा देंगे। गाइस अभी ना भाई, तुमने आज तक बर्न आउट देखे होंगे बड़ी बड़ी बाइकों पे, लेकिन हम तुम्हें अपने छोटे मिनी ट्रैक्टर पे अपने इस ट्रैक्टर से बर्न आउट मार देंगे, और इतना धाकड़ बर्न आउट मारेंगे, आग लगा देंगे पूरा फुल। जिस मेन काम के लिए हम यहाँ आए हैं तो वो काम करते हैं भाई, बर्न आउट मारते हैं भाई। ऐसा ना करो यार, क्या करा था मैंने, भरनी थी ना कूद गए टोचैन करा के टोचैन। अपने ट्रैक्टर के साथ ना कोई भी टोचैन करना नहीं चाहता। चलो गाइस सारी बात खत्म करते हैं और सीधा आग लगाते हैं इसके अंदर। पहले अपने गैंग के बच्चों को दूर कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये ना खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर कुछ भी हो सके, आग भी लग सके, पूरी बाइक भी जल सके। गाइस इधर पेट्रोल भी लेके आ गए हैं। सबसे पहले तो मिट्टी में बर्न आउट करेंगे, फिर मिट्टी में ही आग लगा के देखेंगे, फिर रोड पे चलेंगे, फिर रोड पे बर्न आउट करेंगे, फिर रोड पे आग लगा के देखेंगे। आज ना भाई टायर पूरा खत्म ही कर देंगे। वीडियो पसंद आवे ना भाई, वीडियो को लाइक करना कर दियो, बस कमेंट करके बता दियो। अगर ऐसे ऐसे खपिटर पड़े तुम्हें देखने हो ना, तो भाई कमेंट में ऐसे ऐसे खपिटर पड़े लिख भी दिए करो, ये कर दो वो कर दो वो कर दो। आज मैं ये सोच के हैरान हूँ भाई, पीकू इतना ज्यादा हेल्थी है, लेकिन ये देख लो भाई स्विमिंग करने में कितने मजा आवे इसके। भाई तुम लोगों ने आज तक बहुत बड़ी बड़ी बाइकों से बर्न आउट देखा होगा, ये देखा होगा वो देखा होगा, और गाइज तुम लोगों ने 1000 कमेंट कर दिए। टेंशन ना ले लियो, इस नहर में कूदम्मा कल को कूदम्मा। आज हमने सोचा कि क्यों ना बर्न आउट मार के देख ले, इसकी आखिरी जिंदगी है, ऐसे जीवा दे हम, कल तो इसकी जिंदगी खत्म हो सके। क्या माहौल बन गया यार, ओ भाई गॉड गाइस, भाई सब कुछ भी ना चमक रहा दूर दूर तक, ओए ओ भाई भाई देख लो भाई, मट्टी भी पूरी गर्म हो रही, ओए ये तो यार फुल गर्म है मट्टी भी। देख लो भाई कितना ज्यादा गड्ढा हो गया, ओए इसे तो पूरे टायर का गड्ढा ही हो गया, अलग ही हो गया ये देख लो, ओए फुल गर्म है भाई। अब क्या करते हैं भाई, अब लगाते हैं इसके अंदर आग। भाई ऐसे तो कोशिश कर ली हमने आग लगाने की, ऐसे तो आग लगी नहीं। इसके ऊपर ना भाई पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल हमने सीसी में ला रखा। गाइस अभी पेट्रोल डालते हैं भाई टायर के ऊपर, ओए पेट्रोल तो डाल दिया, इसके ऊपर भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया, बस तिल्ली यहाँ लगाएंगे फिर सीधा बर्न आउट कर देंगे। में आग नहीं लग रही भाई, इसलिए ना सड़क पे ले जानी पड़ेगी बाइक। जब भी ये खतरनाक से एक्सपेरिमेंट करा करूँगा ना भाई, पीकू कर लो और इन बच्चों को सबको घर ही छोड़ कर आ करूँगा। जहाँ बाइक में आग लगने वाली है ना, तो इस लोकेशन पे जा रहे हैं, और ये देख लो भाई कैसे खतरनाक जगह से आना पड़ेगा। चलो 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 भाई, अभी मामला रेडी करते हैं भाई जल्दी से। मजा नहीं आ रहा भाई, बर्न आउट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाइक ना ज्यादा प्रेशर लगा रही है आगे की तरफ, और मामला सेट नहीं हो पा रहा, दोबारा करेंगे सेट। अब करते हैं स्टार्ट, अब की बार तो पक्का आग लगेगी भाई। कंप्यूटर है भाई, सीन बन गया होता कंप्यूटर के साथ ही, बोतल में आग लगी आ रही है तो। टायर की हालत देखते हैं भाई, कैसी हालत होगी इस टायर की। ओ भाई टायर तो बिल्कुल जीरो हो गया यार, खत्म हो गया टायर हमारा। भाई चलते हुए टायर में आग बाल के टायर ही फाट दिया यार, ये देख लो चलते हुए टायर में ना आग बाल के ट्यूब भी फट गई होगी, अंदर से टायर भी फट गया यार, सारा मामला ही खराब हो गया। तो क्योंकि कल ना भाई हमें नहर में भी कुतानी थी ये, अब यार ये गड़बड़ होगी भाई, नई ट्यूब डलवानी पड़ेगी भाई। पर मेरे को यकीन नहीं था कि ऐसा भी सीन हो जाएगा, ट्यूब भी फट गई यार, टायर भी फट गया। देखते हैं भाई फटा कहाँ है, यहाँ पे वो भैया तो चारों तरफ से फट गया भाई, वो गर्म है पूरा। ओ भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि टायर की हालत ऐसी हो जाऊगी,
साइड में से देखो टायर बिल्कुल नया है, और यहाँ से देखो क्या हालत होगी इस टायर की। ओ भाई गाइस, आज के हम लोग अपना ये एंड करते हैं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन उससे पहले काम और कर दो, कल को नहर में कुदा देंगे बाइक को। एक रिक्वेस्ट है बस तारे से, 10,000 लाइक कर दियो भाई, 50,000 लाइक ना हो ये 50,000। अगर तुम 50,000 तो कर दोगे ना आग लगा दूंगा बाइक में, माँ कसम। अगर 50,000 लाइक आ गए वीडियो पे, इस बाइक में खड़ी करके आग लगा दूंगा बाइक, पूरी बाइक जला दूंगा, ठीक करवा के बिल्कुल। पहले नहर में कुदम्मा, बाहर निकाल के ठीक करवा दूंगा, फिर आग लगा दूंगा। चलो गाइस, आज के व्लॉग अपने इवेंट करते हैं, वैसे व्लॉग ही था। और जो रियल एक्सपेरिमेंट होगा ना, जो केस हो गया उसमें, वो केस दिखाऊं भाई मैं, ऐसा नहीं कि सीधा एक्सपेरिमेंट दिखाया, नहीं, जो सच में हुआ है अपने साथ। चलो एंड करते हैं व्लॉग को भाई। पेट्रोल की ताकत देखो भाई कितनी ज्यादा हुआ है, बोतल का हाल देख लो क्या हो गया बोतल को ना।